दोस्तों अगर आप भी एबी डी विलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच इस मुकाबले में एबी डी विलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल ने केकेआर के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसको देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी मैच की हाइलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल और एबी डी विलियर्स में कौन है बढ़िया सिक्सर किंग? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2021 के 14वें सत्र का 10वां मुकाबला चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस मैच का टॉस जीता था आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन विराट कोहली का यह फैसला पूरी तरह से उनके पक्ष में नहीं गिरा क्योंकि शुरुआत में ही आरसीबी की टीम को दो बड़े झटके लग गए थे। विराट कोहली 5 रन के स्कोर पर ही वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर राहुल त्रिपाठी को अपना कैच दे बैठे। इसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे रजत पाटीदार और एक बार फिर से मुकाबले में अपनी टीम को उन्होंने निराश कर दिया और 1 रन के स्कोर पर बोल्ड हो गए और आरसीबी की टीम को 9 रन के स्कोर पर ही दो बड़े झटके लग चुके थे। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और देवदत्त पणिक्कल ने पारी को संभाला और मैक्सवेल ने तो इस पारी में काफी बड़े शॉट्स भी खेले जिसकी वजह से स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। ग्लेन मैक्सवेल इस बीच शानदार छक्का भी लगा चुके थे। ग्लेन मैक्सवेल ने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और आरसीबी को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पणिक्कल 28 गेंदों में 25 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर राहुल त्रिपाठी को अपना कैच दे बैठे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे एबी डी विलियर्स, जिन्होंने मैक्सवेल के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और इस बीच बेंगलुरु की स्थिति बेहद ही मजबूत हो गई। ग्लेन मैक्सवेल 49 गेंदों में 78 रन बनाकर आउट हुए, वहीं अंत में जिम्मेदारी को संभालते हुए एबी डी विलियर्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। उन्होंने 34 गेंदों में शानदार नाबाद 70 रनों की पारी खेली जिसके बाद बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 204 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। केकेआर की तरफ से सबसे ज्यादा वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए। 205 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की तरफ से पारी की शुरुआत शुभमन गिल और नीतीश राणा ने की थी। केकेआर की शुरुआत तो बेहद ही तेज रही थी क्योंकि दूसरे ही ओवर में शुभमन गिल ने 2 लगातार छक्के लगा दिए थे, लेकिन वो अपनी इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और 8 गेंदों में 21 रन बनाकर डेनियल क्रिश्चियन को अपना कैच दे बैठे। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने नीतीश राणा के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। राहुल त्रिपाठी 20 गेंदों में 25 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर मोहम्मद सिराज को अपना कैच दे बैठे। केकेआर का स्कोर 6 ओवर के बाद 57 रन पर 2 विकेट हो चुका था। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे कप्तान इयॉन मॉर्गन, लेकिन इस बीच 11 गेंदों में 18 रन बनाकर नीतीश राणा कैच आउट हो गए। केकेआर की टीम को तीसरा झटका 66 रन के स्कोर पर ही लग गया था। ऐसे में 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक और फिर दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर से मैच में टीम की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया क्योंकि दिनेश कार्तिक 5 गेंदों में 2 रन बनाकर ही यजुवेंद्र चहल की गेंद पर LBW आउट हो गए। केकेआर की टीम को चौथा झटका 74 रन के स्कोर पर लगा था और अब पूरी टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन क्रीज पर अब कप्तान मॉर्गन और शाकिब अल हसन मौजूद थे। इसके बाद मॉर्गन ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, टीम की स्थिति बेहतर होती जा रही थी, लेकिन इस बीच मॉर्गन 28 रन बनाकर कैच आउट हो गए और ये मैच अब आरसीबी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। बल्लेबाजी पर आए थे आंद्रे रसेल, शाकिब अल हसन के साथ उन्होंने स्कोर को आगे बढ़ाया। इस बीच आंद्रे रसेल ने चहल के 1 ओवर में 3 चौके और 1 छक्का लगाकर इस मैच में रोमांच वापस ला दिया। शाकिब 25 गेंदों में 26 रन बनाकर जेमिसन की गेंद पर बोल्ड हुए। इसके बाद पैट कमिंस भी 1 छक्का लगाकर बोल्ड हो गए। 12 गेंदों में अब कोलकाता को जीत के लिए 44 रनों की जरूरत थी, बहुत बड़ा स्कोर था ये। लेकिन 19वें ओवर में तो मोहम्मद सिराज ने कमाल कर दिया, उन्होंने रसेल को पूरी तरह से बांधे रखा और सिर्फ 1 रन दिया, जिसके बाद अगले ओवर में रसेल 31 रन बनाकर बोल्ड हो गए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस मैच को 38 रन से जीत लिया। लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी आरसीबी की टीम की, जिन्होंने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया। आरसीबी की जीत को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।